दोस्तों तुम्हारी खूबसूरती साड़ी जिम्मेदारी है तेज जिम्मेदारी निभाते हुए ऐसी आज एक बार फिर तुम्हारी मुलाकात करा रहे हैं सारे ब्यूटी एक्सपर्ट इंद्रा आलूवालिया जी दिनार। इंद्रा जैसे वेख दें कई लोगों की फेशियल स्किन लूज हो जाती है सर सब तो पहले दसो कि इसका कारण की होंगे है। देखो लूज होने के कारण एक तो एज के नाल होंगी है दैट इज अ डिफरेंट थिंग पर कई बार की होंगे कि असी लोग टू मच करते हैं जिम्मे असी बुक के पढ़ लिया कि लैमन इज गुड फॉर द स्किन तो असं वो लैमन में एकदम असं अपने फेस के उत्ते ना जोर जोर द लगावे साढ़े की होंगे कि जरूरत तो ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ा असी या क्लीनिंग भी अगर असू चार पाँच बार करते हैं और उन्होंने असी ठीक तरह नहीं करते तो क्यों साढ़े कोलेजन इलास्टिन फाइबरस होंगे ने लूज हो जाते हैं फाइबरस तो इस करके एज तो पहले सैक कर जाती और या कई बार होंगे कोई इलनैस हैल्थ हैजर्ड्स कोई हो जाए तो वो अलग अलग ही है। अच्छा इंद्रा जेकर किसी की फेशियल स्किन लूज हो गई है तो उन्होंने किस तरह के नाल असी लिफ्ट कर सकते हैं। देखो तो काफ़ी तरीके ने लिफ्ट करन दे अजकल तो एक टाइम सेगा आज कुछ साल पहले तक यह चीज़ा साढ़े इतने अवेलेबल नहीं सगिया पर अज की डेट के बहुत सारिया चीज़ा ये अवेलेबल ने तुसी आज किन्ने नाम सुने हो गए बाजार एड्स आदि ने बोटेक्स है रेस्टिलेन है जी फिलरस ने है ईवन कई अच्छिया मशीनस भी आई हैं फोटो फेशियल्स जड़िया ये सारे साडे रिंकल दूर करते हैं जिम्मे बोटेक्स है अगर से लगाने साडे क्रोज फीट पर उन्होंने उन्होंने स्मूथ करता है उन्होंने फिलअप करता है फिलर साडी लिप्स दिया करता है पर एक चीज़ देखी जाए क्योंकि यह फॉरन बॉडी साढ़े अंदर जाती है तो जिन्हों का तो कोई इस तरह का है कोई रोल है तुसी तुहाडा प्रोफेशन है और या जिहड़े लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को करते हैं लुक आफ्टर करते हैं वो तो इन्हां चीज़ों में जा सकते हैं पर एक आम लेमैन एक एक्सपेंसिव भी है और एक दूसरा थोड़ा डरते ने कि असं इंजैक्ट करांगे कोई चीज़ इस तरह ना हो जाए हाउसवाइफ ने तो इन्हां वास्ते अजकल बहुत अच्छिया प्रोडक्ट्स निकल आए ने उन्होंने भी तुम जो प्रोडक्ट्स तुम उन्होंने थ्रू इंजैक्ट करते हैं वही प्रोडक्ट्स असी लगाने तो उन्होंने थोड़ा जहा इफेक्ट लेट होंगे पर दे आर वेरी इफेक्टिव और कई लोग होंगे असी की करते हैं इंडिया के खास करके जो साड़ी स्किन मैच्योर हो जाती ज़्यादा विद एज तो असं कहने हूँ सानू लिफ्ट चाहिए पर दैट इज़ रोंग इनफैक्ट पहले उन्होंने इन्ना लूज करके असं फिर उन्होंने देखिए तो तुम अच्छ फॉरन कंट्री जाओगे तो तुम देखोगे क्रीम्स मिलती ने जड़िया वो जिमें प्लस 35 प्लस 45 प्लस 55 यदा मीनस कि असी एट दिस एज असी 30 तो बाद भी असी अपनी स्किन नू लिफ्ट करन वास्ते वो चीज़ा यूज कर सकते हैं जिहड़ी तुहाडे स्किन दे उत्ते हमेशा वास्ते हमेशा तो नहीं कह सकते लोंग रन वास्ते यू कैन इनक्रीज योर स्किन एज एटलीस्ट 15 ईयरस अगर तुम उन्हें लुक आफ्टर करोगे अपनी इन्हों चीज़ा ना। इंद्रा जी ऐसे ऐसी गल की कि जेकर किसी की स्किन लूज हो गई है उसमें किस तरह के नाल असी ट्रीट करना है पर जेकर आफ्टर द एज ऑफ 30 कोई अपनी स्किन की केयर करना चाहता है ताकि उसकी स्किन कभी भी लूज ना हो तो इसका कोई सौखा तरीका है। देखो बिल्कुल है सौखे तरीके वे कि असी पहले तो असं 30 तो ही स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा बैटर है तो वो असी उ सू 50s जाके असी भी लुक लाइक 35-40 बाजार के भी तो एक प्रोडक्ट मिलता मिनी लिफ्ट है ना उसका नाम लिखा है मिनी लिफ्ट विच यू कैन डू इट एट होम तो वो पाउडर मिलता है और एक एक्टिवेटर मिलता है तुम जो दोनों मिक्स कर देंगे तो एक्टिवेट होंगे और अगर उन्होंने फेस पर लगाते हैं है तो वो थोड़ी स्किन नू काफ़ी बार काफ़ी स्ट्रैच करता है जिमें एक कोट लगाया सुकन तो बाद सैकेंड कोट फिर उस तो बाद थर्ड कोट अगर थोड़ी स्किन ज़्यादा लूज है तो 3 कोट तक तुम लगा सकते हो और उस तो बाद बिल्कुल गल नहीं करनी तो दैट विल गिव यू द आइसोमैट्रिक एक्सरसाइजिज जिहड़ियां तुम अपने हाथ नाल मैनुपलेशन नहीं कर सकते तो वो तुहानू देगा और उहदे नाल तुहाडे मसल स्ट्रैच होंगे और टोनअप होंगे और उस तो इलावा अगर कई बार तुहानू लगता है कि मिनी लिफ्ट भी सानू बाजारों नहीं मिलिया तो असी कोई टाइटन चीज़ जिमें एग वाइट तुम देखा ना वो बहुत टाइट करता है और मैदा हर कोल घर च होंदा मैदा एंड एग वाइट उन्हों असी अच्छी तरह बीट करके तो असी उन्हों अपने फेस पर लगा लिए और 20 मिनट्स तक उत्थे रख दिए और उन्होंने फिर तुम गल बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि तुम्हें आइसोमैट्रिक एक्सरसाइजिज मिलनगियाँ तो उन्होंने फिर बाद वॉटर के नाल वॉर्म वॉटर ल्यूब्रिकेट कर करके साफ कर दो तो थोड़ी स्किन स्ट्रैच भी करेगा थोड़े डेड सैल भी रिमूव करेगा प्लस थोड़ी स्किन लिफ्ट भी करेगा। इंद्रा जी असं वेखते कि कई की स्किन पर बहुत ही छेती रिंकल्स पै जाते हैं या फिर कई बहुत आराम पैंते हैं इसका की कारण है। देखो एक तो जेनेटिक हो सकता है तो दूसरा बड़ा ज़्यादा होंगे कि जिन्हें स्किन ड्राई है या सन एक्सपोजर ज़्यादा है उन्होंने रिंकल्स जल्दी पैदा ने और जिन्हें स्किन ऑयली है दे आर लक्की पीपल कि इन्हों की एज रिंकल्स एज का एटलीस्ट 15 ईयरस का फर्क हो जाता है इस करके बड़ा जरूरी है ड्राई स्किन राइट फ्रॉम द बिगनिंग
मॉइस्चराइजर सनब्लॉक SPF जरूर नाल यूज कर। इंदिरा जी तुसीं सानूं साडी फेशियल स्किन दी केयर बारे इन्ना कुछ दस्सिया, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स माई प्लेजर।